वेलकम बैक हो गया आपका एक न्यू व्लॉग के अंदर। और व्लॉग बड़ा अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने इतनी देर बाद मेरी शक्ल देखी है और आप देख के थोड़ा सा तो हुआ होगा कि यार इतनी चेंजिंग, लाइक दाढ़ी रख ली हमने, मतलब ये देखो ना बिल्कुल हैवी सीन हुआ हुआ यार, ये चेक करो जरा। अच्छा, बालों को चेक कर रहा हूँ कंडीशन, तो ये हिसाब किताब है बालों का। बहुत ही योम हॉल है, वो योम हॉल इसलिए कि पूरा रमज़ान शरीफ में ना मैंने बियर्ड बनवाई है, ना मैंने मूछे सेट कराई हैं, ना मैंने बाल कटवाए हैं, ठीक है। और आज का ये है कि अन्नी पा देने वाले काम है, यकीन मानो अन्नी पा देने वाले काम है। अच्छा, ठीक है, भाई मार्केट जाना है, टेलर से कपड़े उठाने हैं, शॉपिंग करनी है, कटिंग वगैरह करवानी है। ईद पता नहीं कल होती है परसों होती है, नो आइडिया। बाकी ये क्या हालत, आप अभी देख लो, फिर कटिंग करवाऊँगा और आज का व्लॉग अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना यार। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या भाई, ये भी आया है लाइट बैंक, ठीक है, मैंने निकालने थे पैसे, ठीक है, एटीएम निकलवा लें, फिर जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने, टेलर से कपड़े वगैरह खाने। तो अभी फिलहाल चलते हैं एटीएम में, चलो बाद में निकलता हूँ, पैसे निकाल लूँ फिर मैं। मेरा स्टॉप जो था वो है जनाब साहब टेलर के पास आई है, ठीक है। अभी ये लाइट बैंक गया था लेकिन ना बैंक से निकले नहीं, कहते एटीएम ख़राब है। अभी मैं जाऊँगा मार्केट, मार्केट के अंदर ये शाही रोड होगा ना, शाही रोड पर होगा एटीएम, सुना तो है लाइट बैंक का ना, तो वहाँ से निकलवाएंगे। फिलहाल जो है अभी टेलर से कपड़े वगैरह उठाते हैं, ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि गटर ही खुले रहते हैं इनके तो। ये हमारे कपड़े रेडी हो चुके हैं, ब्लैक नहीं हैं, घर जाके पैसे वगैरह करेंगे। माय गॉड, इट्स माय ब्लैक, अभी नहीं रिवील करूँगा, चलो छुट्टी करो, बाद में रिवील करूँगा, ठीक है, जब पहनूँगा तब दिखाऊँगा। मार्केट वाले लाइट बैंक में पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये रश चेक करो यार, ईद का करके रश चेक करो मार्केट में कितना। फिलहाल तो इधर आ चुके हैं यार, शूज़ वगैरह लेने हैं तो ना लाइट बैंक से पैसे वैसे निकलवा लें, पेटीएम अभी फ्री नहीं है जैसे उसका, तो फिर चलते हैं बस से निकलवाते हैं भाई। उन मेट्रो 70% सेल है, हमने कहा चलो यहाँ से देख लेते हैं भाई, 70% सेल लगी है, और क्या चाहिए हमें, देखते पसंद करते हैं कुछ ना कुछ ना भाई। मेट्रो से अपना हिसाब नहीं बना, ठीक है, मेट्रो पे जस्ट लिमिटेड थोड़ी सी चीज़ों पे सेल थी जो कि हमें पसंद नहीं आई, सही है। अभी गए हैं सर्विस के साथ ही, सर्विस है, सर्विस पे देखते हैं भाई, मेट्रो पे सर्विस से नहीं तो फिर हम ये बाटा है, बाटा भी देख लेंगे या कहीं ना कहीं देखेंगे यार, लेना तो है, अब क्या करें। मैं ना आप लोगों को दिखा नहीं सकता, ठीक है, कि मतलब इतना रश है बाज़ारों में, लाइक बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से भी पार्किंग लगी हुई है, ठीक है, और बाज़ार में इतना रश, मैं कहता हूँ बस क्या करें। खैर अभी मैं जा रहा हूँ काम से ज़रा, तो बाबा को और छोटे भाई को छोड़ा है बल्कि मैंने उनको, कि मैंने कहा जाओ तो आप अपना करो शॉपिंग, जो मैं आता हूँ बस, सही है यार तेरी भी मर्जी है, हैवी हैवी ड्राइवर। ओह देख काम चेक कर इसके भाई, बहुत रश है भाई बाज़ारों में, ठीक है। ये हमारा सारा जो है ना एक मेन रोड है, ये अंदर बाज़ार है सारे, ठीक है। और क्या, मैं रास्ते में यार आप लोगों से बातें करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। बट ये है कि अभी मैंने कटिंग भी करवानी है, मैंने मम्मा को भी लेके आना है, नानी के घर गई थी, उन्होंने अपना कोई पार्लर वगैरह से कुछ करवाना था, ठीक है, तो अभी रश आ गया, चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। रोज़ा खोला है मैंने, हालत होगी दी यार कसम से, रोमो सफर रोक ही लें ऐसे ना, कोई और ही चक्कर ही पड़ा हो। अच्छा जी तो ना भाई सीन ये हो गया कि ना मैं अब जा रहा हूँ मम्मा को लेने के लिए, मम्मा को दोपहर को छोड़ के आया था, दोपहर को तकरीबन जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तब मैं मम्मा को छोड़ के आ गया था पार्लर पर, मैं मम्मा को लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने देखना है। अभी मैंने रोज़ा खोला है, नमाज़ पढ़ी है, वगैरह भी सेट करवानी है यार, बड़े काम है यार कसम से यार, सुबह का दिन, सुबह का इस तरह मैं रुल रहा हूँ। अभी बस ये है कि मैं मम्मा को लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मम्मा को ला के घर ड्रॉप करूँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ, अगर बाबा गए मेरे साथ तो गए, ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा सलून पे, कटिंग वगैरह करवाऊँगा। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल आपका भाई पहुँच चुका है, फेस वॉश लेना है इसने, फेस वॉश दे दो यार भाई जान, फेस वॉश देना, एक फेस वॉश देना, फेस वॉश वो गोल्डन पर्ल मैन, हाँ जी आपने को लेना है मम्मा, जॉनसन्स का नहीं नहीं ये नहीं, बड़े वाला यार, बड़े वाला जुनसुई का, जुनसुई का यार ये बड़े वाले देना, ये मैम ये सही लगता है, ये वाला ये ठीक है, इसके बड़े वाला पैक है, ग्रीन नहीं मिलता जुनसुई का, परफ्यूम भी देखते हैं, वो यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये होलसेल शॉप है बॉस,
चलो यार ले आओ जल्दी करो। क्या मस्कारा? मेरे काम का नहीं है। बड़ा नहीं है जुनसुई का? बड़ा जुनसुई का फिर वो दो जिसके अंदर स्क्रब होता है वो दो। हाँ देखो ना यार मामा मैंने यही लेना है, वो आप अपने लिए ले लेना, ये मैं अपने ले रहा हूँ अपनी पॉकेट मनी से। कसबालू खा मैंने एक चीज़ आओ ली, चार पांच चीज़ें जाती हैं, चेक करो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया माँ, ये भी ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अपने काम के सिर्फ ये है। क्या पेंसिल वाला ग्लोव? मुझे क्या पता, किसके पास 18 नंबर है ना। चलो यार जो भी है ओके करो। 830 हो गए। जब कुछ ना बचे लेने के लिए तो फिर लास्ट में लेसें बच जाती हैं अम्मा जी। ठीक है ठीक है यार ले लेंगे भाई। बस ठीक है, ये बाजारों का हाल है, नॉट ओनली यहाँ के बाजारों का हाल, हर शहर में बाजारों का यही हाल है। रश ही रश रश ही रश। अभी अम्मा मेरी ये खड़ी मेरी अम्मा ले रही हैं लेसें ले रही हैं। ये भी ठीक है भाई, सही है यार। हम ड्यूटियाँ भरने के लिए सुबह से ले गए इधर, पहले अब्बा जी की ड्यूटी फिर अम्मा जी की ड्यूटी। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। फाइनली आपका भाई किधर है? सीज़र एंड स्टाइल पे। ठीक है ये चेक करो। और टाइम क्या हो रहा है? रात के 10 बजे, क्योंकि इनका कोई दीन मान नहीं है पाकिस्तानियों का। ठीक है पाकिस्तान में ना बस रात को 11 बजे भी ईद हो सकती है। तो अभी सिग्नेचर पे फ़ोन किया था मैंने इरफान भाई को, बट वो कहते हैं कि उनके पास कस्टमर्स हैं काफ़ी तो वो फ्री नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जनाब साहब 1 बजे मैंने फ्री होना है। अब 1 बजे 11 बजे ईद का ऐलान हो तो ये जो सैलून जहाँ पे मुझे सीज़र एंड स्टाइल भी अगर थोड़ा सा मुझे मतलब रश कम नज़र आया तो फिर यहाँ पे वैसे भी जाता रहूँ मैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी लुक्स ट्रांसफॉर्मेशन, चलते हैं अंदर। ठीक है और अब अपनी जो लुक्स हैं उनको कुछ बेटर करते हैं। बिफोर आफ्टर लुक्स का क्या करना है? आप लोगों ने देख तो लिया मेरी बिफोर आफ्टर लुक्स, फिर भी दिखा देता हूँ इसको। तो क्या है चेक करो जरा, आती हुई है अभी ये सीन है। ठीक है अब जैसे ओके सीन होते हैं ना, मोल बनता है थोड़ा फिर मैं वो चेक करवाता हूँ। ठीक है ओके और वेलकम बैक हो गया, ये चेक करो लड़की के लुक्स ओके सीन है। मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरा तो करते नहीं हो यार। अच्छा न्यू लुक्स आई है ठीक है, और मुझे बताना किस तरह की न्यू लुक्स। ठीक है कॉमेंट करके बताना पहले वाली मजे की थी अभी की थी। और भाई का चैनल है, भाई ने बता दिया नाम, क्या नाम है? क्या होता है कुछ भी नहीं जाता आपको, एक सब्सक्राइब बटन ही करना होता है। और ये फिलहाल की लुक्स हैं, बीएड वगैरह भी माशाल्लाह सेट हो गई है, मोस्ट एज भी हो गई है। यो मोल लड़का फॉर्म में आ गया थोड़ा सा, बेटर लुक्स अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. हाँ जी तो वेलकम बैक हो गया भाई नेक्स्ट डे के अंदर। और आपका भाई अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आया। धूप बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ठीक है अभी मैं इधर मार्केट में ही आया हुआ था तो नमाज़ का टाइम हो गया था, जुम्मा की नमाज़ पढ़ी है, सुबह 12 बजे उठा हूँ। उसके बाद अब्बा जी ने कहा कि चलो भाई चलो मैं कहा चलो, तो अभी बस आए हैं मार्केट से, थोड़ा बहुत जो बकाया का सामान वगैरह रहता था वो लेना था वो ले रहे हैं अभी। और अभी बस नमाज़ पढ़ के निकले हैं, अभी देखते हैं इन्होंने क्या लेना है। यार गर्मी बहुत है, वैसे एक बात है रोज़ा आजकल ना अभी से फील होना स्टार्ट हो गया कि रोज़ा लग रहा है। बाकी फ़िलहाल मैं मार्केट में हूँ, देखो कूलर मार्केट जाते हैं, ये पार्क है और ये मतलब ना क्या कहते हैं इसको यार, अब मुझे बाज़ार का सही नाम नहीं याद आ रहा आपका भाई, कभी इतना घूमता फिरता नहीं, लेकिन ये कि यहाँ पे ना कूलर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। हाँ सही सही सही, ये बाज़ार के अंदर ना साइड पे करके ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, देखो ये फलानी इलेक्ट्रॉनिक है, फलानी इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा ना इलेक्ट्रॉनिक का सीन है। ठीक है बाकी आज का ज़्यादा नहीं है, और आज चांद रात है, ईद नहीं हुई, और आज मम्मा के साथ जाना पड़ेगा, मम्मा के साथ भी जाना पड़ेगा, अभी बाज़ार भी आया हूँ, तो बाकी देखते हैं फर्दर क्या सीन। ये चेक करें ज़रा, आए हाय इधर जिसकी शादी होती है ना वो भी ये साफ किताब करता है, इधर जा रहे हैं पा फिर किधर जा रहा है। 2 hours later मेन आपका भाई फिर से ये लहसुन वाली शॉप पे। ठीक है सेकंड डे और सेकंड डे टाइम देख लो यार क्या हो गया है, देख लो
4:15 हो गए हैं ठीक है, और अभी तक मैं फिर बाजार में हूँ ठीक है। और दूसरा यार मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेडीज़ हैं तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए सही है। मैं मम्मा के साथ खा रहा हूँ, अभी मम्मा ने ये करना है, फिर मम्मा ने आगे पता नहीं क्या क्या करना है, देखते हैं ना। वो अपना कोई काम नहीं यहाँ पे ठीक है, पीछे तक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है ठीक है, लाइक वहाँ पे थी, वहाँ से घुमा के इधर ले आया हूँ, जस्ट इधर स्टॉप हो गया। अभी इधर इतनी इतनी पतली गली में गई है ना अम्मा, मैं बाइक लेके जा सकता, अगर लेके जाऊँगा तो फिर वापस उधर के मुझे आना पड़ेगा, तो इसलिए हम इधर ही अच्छे हैं ठीक है। A few moments later. जब आपका भाई पिक वाली शॉप पे चेक करो जरा, हाय 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 हाय, रश चेक करो भाई, बहुत रश है भाई, दिखा नहीं सकता, ये चेक करो बहुत रश है यहाँ, लिटरली यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा रश है, बट क्या करें, अब मम्मा की ड्यूटियाँ भरनी हैं, टाइम बहुत हो जा रहा है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। इस टाइम में आपका भाई यकीन पहुंच चुका हुआ है, ये चेक करो हालत हुई हुई है कसम से, जूती वाली दुकान पे अम्मा ले आई, कल अब्बा जी ने लेके दी थी, आज अम्मा ने लेके दे दी ठीक है। अभी मैं पसंद कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ गई है, लेकिन उसका दूसरा पाँव नहीं मिल रहा, इतना तो रश है, ये छोटा ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ से मिलेगा, अब यहाँ से पता नहीं यहाँ से उठाया था मम्मा ने, बड़ा प्यारा था यार, एक पाँव मिल गया दूसरा मिला नहीं। हाँ यार मिला कि नहीं, ये वाला यही है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैंने बस सही है, छोड़ो ही ना ये पकड़ा हुआ हाथ में, गुम ना हो जाए, ये भी गुम ना हो जाए, सही है यार, हालत तो यही है यार, बहुत हालत हो गई है कसम से, सुबह से घूम रहा, टाइम हो टाइम टाइम तो बताया नहीं मैंने आपको, ये चेक करो, चलो रखो, दिखाओ भाई को पेन में किल निकालो, ये ले लो सर, सही है, दूसरा भी दे दो, निकाल इसका, सही है, ओके यार सही है ना, प्यारे है ना, लेकिन मेरा ये है, ये देखो बिल्लू वाला देखो, नहीं बस ठीक है, ये हो सही है, ओके बस सही है यार, ये इसको पैक कर जल्दी कर, ये बिल्लू पता है हरामी हो बेटा, ये चेक करो ज़रा, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाऊं, आज है फ्राइडे, तो ये फ्राइडे के यहाँ पे ना एक तरह से इसको ना जुम्मा बाजार कहते हैं, लाइक ये चेक करो इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ना मतलब लगे होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं डिस्काउंट में यार, स्टॉल वही जो भी होता है सही है, मतलब ये कप लेने हो, ये तरबूज लेने हो, वो खिलौने लेने हो, लड्डे का सामान लेना हो, जो भी लेना हो ना जुम्मे वाले दिन आपको मिल जाएगा। किधर जाना वहाँ क्यों, लाल दीन के घर जाना है, नानी मी के घर नहीं जाना था, वाह रूट चेंज बॉस, रूट चेंज, पहले मम्मा को लेके जाना था नानी मी के घर, वहाँ से मेहंदी लगवानी थी, लेकिन अब कहती नहीं यहाँ नहीं, वो लाल दीन है ना, लाल दीन उसके घर से लगवानी है, वाह वाह वाह, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। ये चेक करो यार अपने बचपन की चीज़, अच्छा इसको उड़ाओ कि दिखाना, एक मिनट मुझे दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, एक मिनट दिखाओ यार, ये देखो ये पंखा होता था ना बचपन में खिलौनों के साथ लेते थे हम लोग, वो पकड़ो इसको चलाओ उड़ाओ, किस तरह उड़ाते हैं, ओ ये चेक करो किधर गया, पकड़ो फिलहाल जो है ना मैं अंकल लाल दीन वालों के घर में, मंदिर गई है, इनका बच्चा खेल रहा है मज़े कर रहा है, चेक करो। तो भाई और उनकी बहनों ये है सलोन जहाँ पे मम्मा अभी आई हैं ठीक है, मुझे ले के आई हैं, भाई की हालत होगी यार, तार दूँ चश्मा, हाय हाय हाय, अब जाके कोई ना मुझे सुर सवाद का ना नज़र आया, पहले तो शेड पहन के आंखें ही मतलब दलील हो गई, रोज़ा लगा पड़ा भाई, बहुत ज़्यादा रोज़ा लगा पड़ा, जिसको कहें इंतहा अगर रोज़ा लगना होता है वो रोज़ा लगा हुआ है भाई, मैंने घर जाना है, रास्ते तो कोई खाने पीने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कल हुआ था लाइक आज भी वैसे ही होगा, अम्मा जी ने इधर पार्लर पे होना है और आप भाई ने फिर घर में किया, तो बोला नहीं पापा भी हैं भाई भी हैं मैं भी हूँ, कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा, देखते हैं फिर यार क्या बनता है। One eternity later. हाँ जी, तो भाई साहब आपका भाई अब करने लगा इस व्लॉग को एंड, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है ना अच्छा लगा होगा, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, और यार बड़ी मेहनत लगती है यार, और बाकी ये है कि लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, बाकी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट्स बता देना, और हाँ ये जो मेरी न्यू लुक्स हैं जो मैंने ट्रांसफॉर्म करवाई हैं इसके बारे में भी कमेंट्स में ना अपनी राय जो है ज़रूर देना,
ठीक है, और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और ईद भी एडवांस में मुबारक हो। मैं देखता हूँ अगर आज एडिट हो गया ब्लॉग मसरूफियात की वजह से, अगर तो हो गया तो ओके, ना हो सका तो इंशाल्लाह फिर कल अपलोड करूँगा। बाकी जो है इंशाल्लाह ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।